पर हेक्टेयर यील्ड इज आल्सो मोर ऑफ फ्रूट्स। फ्रूट जब पैदा करते हैं तो पर हेक्टेयर यील्ड ज़्यादा प्राप्त होती है इन कंपेरिजन टू द सीरियल क्रॉप। स्मॉल कैलोरीज पर यूनिट एरिया, इसमें जो है हमें ऊर्जा प्रति यूनिट एरिया के हिसाब से ज़्यादा प्राप्त होती है। नेट रिटर्न पर यूनिट एरिया, जब जो फल हम पैदा करते हैं तो उसमें हमें जो एक पर यूनिट एरिया के हिसाब से लाभ ज़्यादा होता है। इस प्रकार से द फ्रूट्स प्रोवाइडेड फ्यूल वुड गम ऑयल एंड मेडिसिनल वैल्यू। फ्रूट्स प्रोवाइडर्स ईंधन, लकड़ी जलाने के लिए गम गोंद भी पैदा कर प्रोवाइड करते तथा तेल भी मिलता है फ्रूट से तथा हैविंग मेडिसिनल वैल्यू। सजेस्ट द बेल इज नोन एज एंटी प्लेग्रा फूड। इस तरह से आंवला इज यूज फॉर थ्रू फ्राम रिलैक्सेशन और स्कर्वी डिजीज, आप लोग जानते हैं विटामिन सी पाया जाता है। इसी प्रकार से हर फल का अपना महत्व है। प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, हम जब उद्यान लगाते हैं तो हमें निश्चित रूप से साल भर कुछ ना कुछ कार्य मिला रहता है। सो वी द माइन इंगेज होल ईयर इन द ऑर्चर्ड, सो इट सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। रिक्रिएशनल इम्पॉर्टेंस, द फ्रूट ग्रोइंग आर पोमोलाइज हैविंग रिक्रिएशनल इम्पॉर्टेंस, मनोरंजन का साधन भी उपलब्ध कराती है। वी गेट फॉरेन एक्सचेंज, हम जैसे आम वगैरह को हम जब फॉरेन एक्सचेंज करते हैं तो हमें इससे मुद्रा प्राप्त होती है। तो वी गेट फॉरेन एक्सचेंज बाई ट्रांसफरिंग द आवर प्रोड्यूस सच एज मैंगो टू द अदर नेशन। मे डेवलप अदर साइड बिजनेस आल्सो व्हेन वी डू व्हेन ऑर्चर्ड इज ग्रोइंग अप, और इसका प्रोडक्शन काफ़ी हो जाता है जिसके लिए पैक करने के कार्टून वगैरह की आवश्यकता पड़ती है, जिससे दूसरे उद्योगों को बढ़ावा मिलता है। सॉइल इट इम्प्रूव द सॉइल फर्टिलिटी, जब हम फल वाले पौधे लगाते हैं तो किसी तरह की हार्ड पैन सख्त कठोर सतह भूमि में पाई जाती है, उसको तोड़ करके भूमि की उपजाऊ शक्ति को बरकरार रहती तथा इस पेड़ साल जो सॉइल इरोजन वगैरह को भी रोकती है, भूमि को एक जगह से दूसरे जगह बहने को भी रोकती है। तो ओल्ड्रीकल्चर हैज ऑल्सो इम्पॉर्टेंस इन फॉर सोसाइटी ग्रोअर्स एंड ओल्ड्रीकल्चर एंड फ्लोरिकल्चर आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंस फॉर ग्रोअर एज वेल एज सोसाइटी एंड फॉर नेशन। सो वी हैव टू अडॉप्ट द ऑल ब्रांचेज ऑफ हॉर्टिकल्चर इन आवर डेली लाइफ फॉर एस्थेटिक वैल्यू, रिक्रिएशनल एंड फॉर डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी एज वेल एज फॉर द नेशन। क्योंकि ये ऐसा बताया गया है कि हर नेशन का जो एक मापदंड है वो आंका जाता है कि कितना यहाँ पर कैपिटा फ्रूट अथवा फ्लावर अथवा वेजिटेबल कंजम्पशन है। जितना अधिक कंजम्पशन होगा उस राष्ट्र को उतना ही डेवलप्ड राष्ट्र माना जाएगा। तो इसलिए हम जब प्रोडक्शन इंक्रीज करेंगे तभी हमारा कंजम्पशन इंक्रीज होगा, क्योंकि जब उपलब्धि नहीं होगा खाने के लिए तो हम क्या खाएँगे। फ्यूचर स्कोप ऑफ हॉर्टिकल्चर, उद्यानिकी का विस्तार एवं महत्व, इन उद्यानिकी के विस्तार एवं महत्व को समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा निम्न निम्न बिंदुओं पर ध्यान देना पड़ेगा। सोयल एंड क्लाइमेट, हमारे यहाँ पे हर प्रकार की लगभग भूमि तथा जलवायु पाई जाती है। सब प्रकार के फलों को देश के किसी न किसी भाग में पैदा किए जाते हैं, तो हमारे लिए बहुत अच्छा है कि हम सभी तरह के फल किसी न किसी देश अपने देश के किसी न किसी कोने में पैदा कर सकते हैं। कम्युनिटी डेवलपमेंट, हमारे यहाँ तरह तरह के सामुदायिक विकास परियोजनाएँ चलाई जाती हैं जिससे लोगों को जागरूक किया जाता है फलों एवं सब्जियों के बारे में। हमारे यहाँ इरीगेशन के सोर्सेज सब अपने ट्रांसपोर्ट के फैसिलिटीज हैं। वन महोत्सव मनाया जाता है हर 5 जून को, जिससे हमारे पौधे लगाए जाते हैं। नर्सरी डेवलपमेंट का भी बिजनेस हमारे यहाँ चलता है। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।